Hello friends, welcome to VKD classes. My name is Hemant Sharma and I will tell you some important facts about algebra. How algebra works systematically, I'll tell you today. A plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. A plus b to the power 3 is a cube 3a square b plus 3ab square plus b to the power 3. A plus b to the power 4, a to the power 4 plus 4 a cube b plus 6 a square b square plus 4 a b to the power 3 plus b to the power 4. Then a plus b to the power 5 equals to a to the power 5 plus 5 a to the power 4 b plus 10 a to the power 3 b square plus 10 a to the power 2 b cube plus 5 a, b to the power 4, then b to the power 5, and so on. ये किस तरह काम कर रहा है, that we see actually. 11 का square, 1, 2, 1. 11 का cube, 1, 3, 3, 1. See, what is 11? पहला टर्म. ये पावर 4 है, ये पावर 5 है. तो यहां देखना, ये सबको याद है, ये सबको याद है, यस और नो? जब इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे बड़ी पावर a की शुरुआत होती है a की पावर 3 और वो रिड्यूस होती जाती है 1 1 1, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 0. इधर a की पावर 0 है और b की पावर 0 से शुरू होकर 3 तक जाती है, 0 1 2 3. सेम इसमें भी पावर 4 से स्टार्ट होगी, 4 3 2 1 0, b की पावर 0 1 2 3 4. सिमिलरली 5 4 3 2 0 1 0 और b टू पावर 0 1 2 3 4 5. ओके, ये कोफिशिएंट्स कैसे आए, फिर इसके बारे में देखते हैं. कोफिशिएंट्स ऐसे आते हैं, यहां पर 1 होता है, यहां पर 1 होता है, यहां पर 2 होता है, दैट इज 1 2 1 1 2 1. नेक्स्ट में यहां पर 1 होता है और इन दोनों को जोड़ के ये लिख देते हैं 3, इन दोनों को ऐड करके यहां 3 लिख देते हैं और लास्ट में 1. सेम 1 3 और 1 4, 3 and 3 6, 3 and 1 4, अगेन 1, 1 1 and 4 5, 4 and 6 10, 4 and 4 6 and 4 10, 4 and 1 5, एंड अगेन 1. तो आप कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं. देखो a प्लस बी टू पार्ट 6 निकालेंगे हम, a की वैल्यू 6 5 4 3 2 1 and 0, b टू द पार 0, b टू द पार 0 1 2 3 4 5, एंड लास्ट में 6. प्लस लगाएंगे सब में. ओके, कोफिशिएंट्स 1 का 1 रहेगा, 1 and 5 6, 5 and 10 15, 10 and 10 20, 10 and 5 15, 5 and 1 6. दिस इज योर फॉर्मूला, यू कैन मेक लाइक दिस एनी फॉर्मूला. थैंक यू.